किसी जगह पे स्ट्रे डॉग को नाले में फेंक दिया। कहीं शेल्टर में गायों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। गांव के किसी खेत में कोई जानवर भूख के मारे आया और अपनी जान गंवा बैठा। सोसाइटी में रात को कुत्ते भौंक रहे थे और सुबह किसी बहादुर इंसान ने बेजुबान को कार से बांधकर 10 किलोमीटर तक घसीटा। ऐसी न जाने कई न्यूज आए दिन आती है। अखबारों या न्यूज चैनल्स पर हमारी नजर जाती है। हम कभी इस बारे में डिस्कस भी नहीं करते। शायद ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि इन सारी नेगेटिव बातों के बीच भी कुछ लोग हैं जो बाकी सबकी परवाह किए बगैर बिना कोई आवाज किए अपनी इंसानियत निभा रहे हैं। हम सबने सुना है कि ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाई है, पर मैंने कभी ये नहीं सुना कि ये दुनिया बनाने के बाद उन्होंने कहीं पर भी लिखा या कहा हो कि मैं ये दुनिया या दुनिया की हर चीज सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए बना रहा हूं। पर फिर भी आप देखें तो हमारा इस नेचर के प्रति एटीट्यूड ऐसा ही है जैसे इस पर हमारी मालिकी हो, ये हमारी जागीर हो। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम नेचर का एक छोटा सा हिस्सा हैं, नेचर के मालिक नहीं। ऐसा कहा जाता है कि सारे जीवों में सबसे इंटेलिजेंट जीव इंसान है, तो हमें कुछ जिम्मेदारी तो उठानी होगी ना। क्यों कुछ लोग स्ट्रे डॉग्स को मारते हैं, गायों और भैंसों को भूखा रखते हैं, या फिर किसी हथनी को जो मां बनने वाली है उसे पटाखों से भरा पाइनएप्पल्स खिला देते हैं। ना उन्होंने हमारा कुछ छीना है, ना हमारा कुछ बिगाड़ा है। अगर कोई घुसा है स्पेस में तो वो हम है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमारी संस्कृति की ओर नजर करें तो हम जानेंगे कि हमारे पूर्वज नेचर को साथ लेकर चलते थे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उनको आगे रखकर जीते थे। बिना गाय को घास डाले या कुत्ते को रोटी खिलाए दिन शुरू नहीं होता था। और आज हम ये दुनिया देख रहे हैं जहां हमारा बर्ताव ऐसा है कि इंसान के अलावा किसी की जगह ही नहीं है। वो भी जीव हैं, उनकी भी जरूरतें हैं, भूख और प्यास मिटाने का उन्हें भी हक है। आपको आपके अपने बच्चे को कोई मारेगा और जो दर्द होगा उतना ही दर्द उन सभी जीवों को होता है। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए या अपना गुस्सा उतारने के लिए या यूं ही मजे के लिए कभी किसी भी पशु पर हिंसा मत कीजिए। और हो सके तो इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते, आसपास के सारे एनिमल्स को अपनी जिम्मेदारी समझें। वो बीमार हों तो उन्हें खाना पानी दें, घायल हों तो इलाज करवाएं, एक बार उन्हें प्यार देके तो देखें। बदले में वो आपको जो प्यार और वफादारी देंगे वो बिना मिलावट की फीलिंग्स होंगी। स्ट्रे एनिमल्स के प्रति उदारता रखें, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सही है, बल्कि इसलिए भी कि इंसान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी भी है। आज ना समय में आपणे जोईए छे के गामडाओमां शहेरोमां दरेक जग्याए पशुओनी हिंसा करवामां आवी रही छे, पछी ए मानसिक रीते होय के शारीरिक रीते होय। फिजिकल अब्यूस, मेंटल अब्यूस दरेक प्रकारना पशुओं पर थई रह्यो छे। तो सीखना आ एपिसोड द्वारा आप समक्ष एज रजू करवा मांगे छे के जे पशुओ छे ते बोली नथी सकता, जे आपणा समक्ष रहे छे, जे आपणने घणी बधी आपणी रोजनी एवी जरूरियात छे जेमना थकी पूरी थती होय छे। अने मारी एज अपेक्षा छे के आ एपिसोड आप खाली जुओ नहीं, पण આમાંથી જે મેસેજ છે એ આપના જીવનમાં ઉતારો, અને ભલે આપ પશુઓની કે
નાના મોટા પશુઓની કે પછી મદદ ના કરી શકો, પણ એને હિંસા ના કરો, એને નુકસાન ના પહોંચાડો, એને જીવને દુઃખ થાય એવું વર્તન ના કરો. તો એ જ આજના એપિસોડ દ્વારા એક નાનો એવો મેસેજ આપના સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. અને બસ એ જ આશા છે કે આ શીખના જેટલાય પણ હજુ એપિસોડ થયા એ આપ સર્વેને પસંદ આવ્યા, અને હજુ ભવિષ્યમાં પણ દર રવિવારે જેવી રીતે અલગ અલગ એપિસોડ્સ આવે છે આપ બધાએ જોતા રહો, અને એમાંથી નાની મોટી શીખ આપના જીવનમાં ઉતારતા રહો. હાય, મેરા નામ રીના પંચાલ હૈ ઓર મેં નેચર કેર એનિમલ ફાઉન્ડેશન કા એક એનજીઓ ચલા રહી હું જો ધામતવન મેં હૈ. નમસ્કાર, મેરા નામ દુષ્ય નીતિન કુમાર ભટ્ટ હૈ ઓર મેં અમદાવાદ નરોડા મેં રહેતા હું. और पिछले 7 साल से बापा सीताराम मित्र मंडल ग्रुप गुजरात करके हमारे एनजीओ चलता है, उसमें मैं डॉग एंड बर्ड्स का ट्रीटमेंट करता हूँ. हाय, आई एम सुत त्रिवेदी, आई एम अ को-फाउंडर एंड अ हेड ट्रेनर एट पपराजी क्लब. माय नेम इज ईवा, आई एम फ्रॉम बेल्जियम एंड आई एम लिविंग इन इंडिया सिंस ऑलमोस्ट 15 इयर्स. सो आई लिव फॉर सेवरल इयर्स, मोर देन 10 इयर्स इन साउथ ऑफ इंडिया, बेंगलोर एंड हैदराबाद, एंड आई वॉज वर्किंग इंटेंसिवली फॉर एनिमल वेलफेयर with three dogs for a few NGOs. और मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि मैं जितने भी जानवरों को बचा सकूं उसको मैं अपनी पूरा 100% देती हूं उनको बचाने के लिए, ताकि उनका एक नया जीवन मिले. नेचर केयर एनिमल फाउंडेशन का ओपन करने का हमारा यही मकसद था कि जितने भी इंजर्ड बर्ड्स और एनिमल हैं वो एक अच्छी ट्रीटमेंट लेके अपने जो अपना जो जीवन है उसमें वापस जा सके और अपनी लाइफ खुले से जैसे हम इंसान जी रहे वैसे जी सके. 4 साल पहले एक मेरे पर कॉल आया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर एक डॉग के लिए, और उस टाइम बर्ड फ्लू चल रहा था, और पहले पहले मेरे में भी नेगेटिव विचार आए कि फिर मैं अगर मैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए गया और अगर मुझे कुछ हो गया तो आगे क्या होगा. उस टाइम पर मैंने उसका ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं गया, लेकिन दूसरे दिन मुझे ऐसा हुआ कि अगर मैं कुछ जानता हूँ उसके ट्रीटमेंट के बारे में और अगर मुझे कुछ आता है तो मुझे उसका ट्रीटमेंट करने जाना चाहिए. मैं पहली बार ये जगह देखने के लिए आया तो ये सिर्फ खाली जगह थी, लेकिन हम जब आए तब यहाँ पर ऑलरेडी 5-6 छोटे छोटे पपीज खेल रहे थे, शायद 15-20 दिन के होंगे, एंड उसकी मदर भी थी. स्पेशली यहाँ पर डॉग रहते थे उसके लिए ये जगह हमें और ज़्यादा पसंद आ गई, एंड हमने डिसाइड किया कि हमारी जो भी हमें कुछ बनाना है या पपराजी क्लब बनाना है तो ये यही जगह है, यही जगह होनी चाहिए. क्योंकि इन लोगों को कई लोगों ने हर्ट किया हुआ है, जैसे कि मेरे यहाँ एक काऊ है, उसको किसी ने तलवार मारी है तो उसका पैर और उसकी पूंछ कट गई है. एक डॉग है जिसको आँख में किसी ने सलिया घुसा दिया, आँख फोड़ दी है. कोई है जिसको पॉलीथीन में पैक करके फेंक दिया था, उसको हमने बचाया है. तो मेरे यहाँ जितने भी जानवर है सब इंसानों से हर्ट किए हुए या फिर एक्सीडेंट हुए है सब. अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें हमारे सामने ऐसी आई है तो हमको भी कभी कभी क्वेश्चन होता है कि हम इंसान अपने निजी स्वार्थ के लिए कहाँ तक गिर सकते हैं. जैसे रिसेंटली एक सूरत में ऐसा केस हुआ था कि बस ऐसे ही मस्ती में चिकन में कुत्तों को जहर दे दिया. अब क्वेश्चन यही हमारे लिए भी उठा था कि उनको इसमें से क्या मिला, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए या फिर कोई टेस्ट किया था. उसे कुछ होता नहीं है, लेकिन कुदरत की बनाई हुई कुछ चीज़ों को हम ऐसे ही हर्ट करते हैं, उनके साइकिल में दखल देते हैं. और कितने यहाँ पर पिजन है, काइट है, वो भी कई दौर में फंस गए थे, किसी को कुछ डिहाइड्रेट हुआ था. आ,
So I was working that time more like rescuing animals myself and helping in the shelter with the veterinary doctors in the clinic. And then also a second aspect I was doing was handling cruelty cases. Every day we used to get calls of cruelty cases against stray dogs, against pet dogs as well, or the, you know, people not keeping their pet dog as a family member, but keeping in a bad shape actually, just like an object on the side without proper management. So we used to get lots of these cases, and I used to go there also to observe, to try to convince the people, try to create awareness, try to explain them how they should keep their pet, even when there were conflicts with human-animal regarding the stray dogs. You know, you get the calls from the dog lovers, but if you hear both the stories, you will understand that usually there is a conflict, you know, with the people. Dog lovers on one hand, who do the things they want to do for usually following their emotions, and then the other people who are really getting frustrated by all the nuisance that the dogs are creating. मैं जब उस जगह पे पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लेडीज उस कुत्ते को अपने हाथ से ऐसे दूध पिला रही है, उसके मुंह को ऐसे उठा के। तब मैंने देखा कि अगर मैं सब जानता हूं और मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करूंगा तो ऊपर वाला भी मेरे से राजी नहीं होगा। तब मैंने उसका ट्रीटमेंट करना चालू किया। पहले तो जब वो जिस जगह पे वो कुत्ता एक हफ्ते से लेटा हुआ था और वो पूरा सड़ गया था, मैंने उसको वहाँ से उठाया और उठा के उसको दूसरी जगह पे रखा। दूसरी जगह पे रखने के बाद वहाँ पे नीचे सारे के सारे कीड़े थे, और वो कीड़े देखकर पहले ही समझो कि मुझे ऐसा बहुत ही डिफ़िकल्ट फील हुआ, लेकिन मैंने उसका ट्रीटमेंट करना छोड़ा नहीं। मैंने मेरे पास सारी की सारी दवाई अवेलेबल थी, मैंने उसका ड्रेसिंग करना चालू किया, और पहले पहले मुझे डर लग रहा था कि शायद क्या वो मुझे काट लेगा तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, पर मैंने उसके सर पे प्यार से हाथ घुमाया तो उसने मुझे काटा नहीं। और उसका मैंने 7 दिन तक कंटिन्यू सुबह शाम ड्रेसिंग किया, और 7 दिन के बाद जब वो ठीक हो गया तो मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि मैंने कोई एक जीव बचाया है, और तब से लेके आज तक ये कंटिन्यू सेवा चालू है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसकी जान बचा के। और उसको भी अंदर से ऐसा फील हुआ होगा कि नहीं, ये मेरी कुछ हेल्प करने के लिए आए हैं, तभी उसने मुझे काटा भी नहीं और 7 दिन तक ड्रेसिंग भी करने दिया। एक छोटा सा पपी है, इसकी मम्मी रोड एक्सीडेंट में मर गई है, और उसको भी अब फीट की बीमारी है, उसको कभी कभी फीट आती है। अब ये मेरे पास आया, मैं उसको दवाई करती हूँ। ये कितना फ्रैंकली है, देख लीजिए आप, ये बस इंसानों के गोद में ही रहता है। आप कहीं भी बैठ जाओ, आपके पैर में आके सो जाएगा। ये छोटे एक काऊ है, काऊ इतनी भोली है, आप उसके ऊपर लेट जाओ, उसको कुछ भी करो ये कुछ भी नहीं करेगी। अब वो किसी के खेत में क्या चली गई, उसने तलवार मार दी उसको। इसका कसूर खाली इतना था कि वो उसके खेत में खाना खाने गई। हम काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से ये सब काम कर रहे बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी भाव के कि हमें कुछ मिले इसमें, लेकिन इनके साथ ये कुदरत के जो भी ये जीव है उनके साथ काम करके हमको इतना पता चला कि कभी कोई लोग ऐसे, मैं बात बता देता हूँ कि कभी कोई लोग ऐसा मानते कि तो जानवर है, इनको कुछ पता नहीं चलता है और इनको कुछ समझ नहीं होती है, लेकिन नहीं, एक बात इसमें से मालूम पड़ गई कि जितने भी कुदरत ने जितने भी ये जीव बनाए हैं सब में कुछ ना कुछ चीज़ दी हुई है। हम इंसान हैं तो इंसान को परिपूर्ण इसलिए बनाया गया है कि हम इनको जो भी तकलीफ हो रही है उनमें हम किस तरीके से उनके साथ हेल्पफुल हो सकते हैं। People want to give the food to the dogs, so they throw it out of their house in front of their door. Obviously, what's going to happen? The dogs will gather in front of the door and stay there. And everybody who is passing, they will protect that area, right? So it will create nuisance for the other people. So easily these things can be prevented, you know, if you follow the proper rules and if you understand dog psychology, then it's much easier to manage. Even the Animal Welfare Board of India has on their website all kinds of guidance what people can actually follow to do the thing in a proper way. And if the dog lovers handle all these things nicely, then also other people will not be so much disturbed and everybody can live more in peace.
आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी होने लगी है एनिमल्स पे, एंड उसका रीज़न आई थिंक ये है कि उनके अब हमारे पास जो पहले के टाइम पे पर्पस हुआ करता था या विलेज में अभी भी है पर्पस कि भाई स्ट्रे डॉग्स हमारे घर को प्रोटेक्ट करते थे, हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करते थे, हमारी आजू बाजू की जगह को प्रोटेक्ट करते थे. हमारे पास अब ज़्यादा सिटी लाइफ में बेटर सिक्योरिटी सिस्टम है. हम ताला लगा के आराम से चैन से सो सकते हैं. हमारे पास कैमराज है, इसलिए हमें आई थिंक स्ट्रीट डॉग्स की अब ज़रूरत नहीं रही. इसलिए हम शायद इतनी क्रूअल्टी उनके ऊपर ज़्यादा करने लगे. बट आई थिंक स्वामीनारायण भगवान ने भी बोला है, एंड हम महात्मा गांधी जी ने भी बोला है कि कोई भी नेशन की प्रगति और उसका वेलफेयर एंड उसके मॉरल वैल्यूज़ उस तरह से जाने जाते हैं कि वो अपने जानवरों को कैसे ट्रीट करता है. और कई कुत्ते भी ऐसे होते जो लोगों के सोसाइटी में अच्छे नहीं लगते कि भाई उनके घर पे जाए, रोटी मांगे या उनके आंगन में बैठे, तो वो लोग उसको खाने में जहर डाल देते हैं, उसको मारते हैं, कोई उबलता हुआ पानी डाल देता है, कोई एसिड डाल देता है. ये सब भी उनको हर्ट करता है. जैसे हमें छोटा सा भी घाव लगता है तो हम चिल्लाते हैं ना, वैसे वो लोग भी चिल्लाते हैं. उनको जुबान नहीं है पर दर्द उनको भी इतना ही होता है जितना हमें होता है. नेचर केयर एनिमल फाउंडेशन का ओपन करने का हमारा एक ही मकसद था उसके पीछे का, कि जितने भी इंजर्ड बर्ड्स और एनिमल है उनको अच्छी ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से शायद या तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते थे या फिर पूरी ज़िंदगी वैसे ही एंड लाइफ तक वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काट लेते थे. तो कहीं ना कहीं अंदर ऐसा होता था कि जैसे इंसान को ट्रीटमेंट मिल रही है तो वैसे भी जानवरों को भी मिले. और यहाँ पर हमारे पास अभी इंजर्ड बर्ड्स और एनिमल इतने हैं जो अच्छी ट्रीटमेंट लेके हमने उनको नेचर हैबिटेट में रिलीज़ भी किया है, और काफ़ी ऐसे भी है जो अब यानी कि बोलते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी वैसे ही जाएगी. कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी पाँख कट गई है, वो फिर से वो उड़ नहीं सकेंगे. कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनको हम उसकी हैबिटेट में रिलीज नहीं कर सकते. तो हम जितना हो सके उतना हम ट्राई कर रहे हैं कि सबको अच्छी ट्रीटमेंट दी जा सके, और साथ भी अभी इतना सपोर्ट है नहीं, फिर भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना लोगों के पास हम पहुँचे या फिर लोगों को जो भी है काम वो खुद ऑब्जर्व करें और उनका सपोर्ट मिले, तो हमको इस काम को और आगे ले जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स और एनिमल हम ट्रीट कर सके, उनको एक अच्छी लाइफ दे सके, वैसी हमारी एक एक्सपेक्टेशन है. सो मैं इतना ही कहूँगा कि कंपैशन, छोटी छोटी चीज़ों की छोटी छोटी रीजंस की वजह से उनको जहर देकर मारा जाता है, डंडे से पीटा जाता है, कभी उनके बच्चों को उनसे छीन लिया जाता है, नाले गटर में फेंक दिया जाता है. लेकिन क्या रीजंस है? रीजन सिर्फ इतने हैं कि भाई वो मेरी जूते चबा गया, वो मेरे घर से ये लेकर गया, वो मेरे घर के पास गंदा कर रहा है, वो मेरे घर के अंदर कूद कर आकर सब खाना चुरा लेता है. सिर्फ इसलिए हम उसकी जान ले लेंगे. दे आर द एज मच लाइफ एज वी आर, सो दे हैव इक्वल राइट्स टू लिव ऑन दिस प्लैनेट. और हमारी देश की प्रगति, हमारे बच्चों की प्रगति, आने वाली पीढ़ियों की प्रगति तभी हो सकती है अगर हम ये बात समझ सके कि भाई जानवरों को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, हम जानवरों को तरफ कंपैशन, काइंडनेस कैसे दिखा सकते हैं. एटलीस्ट दे शुड हैव नॉट मच देन एटलीस्ट दे शुड हैव दिस फाइव फ्रीडम: फ्रीडम टूवर्ड्स हंगर एंड थर्स्ट, फ्रीडम ऑफ लिविंग कंफर्टेबली विदाउट एनी स्ट्रेस एंड विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, फ्रीडम ऑफ स्टेइंग हेल्दी, अ डिजीज फ्री एंड क्रूअल्टी फ्री एनवायरमेंट. दे शुड हैव अ फ्रीडम टू बी द एनिमल दे आर. द एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोजेक्ट दैट आई वाज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ, सो आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, बट इन इंडिया वी हैव द प्रोटेक्शन द पीसीए एक्ट 1960, एंड वन ऑफ दोज रूल्स इज द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स. सो इट्स एक्चुअली बाय लॉ डिफाइंड
that all the street dogs, the free roaming dogs, should be sterilized and vaccinated against rabies, not only to control the population, but mainly to eradicate rabies from India. We want the rabies-free India. Lots of cruelty is based because of people actually have misunderstanding and lack of awareness regarding the animals, that they also have feelings, that they have needs, their basic rights. People don't really go too much deep into it actually. And you know, working with children, educate children, is actually because they are the future, and they are the ones who will actually pick it up quickly, and they are actually the hope to change the animal welfare for the future. जैसे आपके बच्चे हैं, वैसे ही जानवरों के भी बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को समझाओ कि उनको प्यार दे, खाना दे, उनका देखभाल करे, उनको मारे नहीं. और जैसे आपके बच्चे को ख्याल रखते हो, वैसे इनके बच्चे का भी ख्याल रखो. ये भी बेजुबान है, पर ये भी किसी के बच्चे हैं. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપદ્રીના 12મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે કોઈ પણ પ્રકારના જીવની હિંસા ના કરવી, અને અહિંસા એ સૌથી મોટો ધર્મ છે. चाहे मन मान बस इंसान तू बन जा.